हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जो वीडियो उसका ट्यूटोरियल ला रहा हूं, जो कि इस तरह का वीडियो है। आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रहा है इस तरह के वीडियो देखने में और लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं। तो अभी ये ट्रेंड कर रहा है तो आप अभी के अभी बना लीजिए, क्योंकि आज सुबह मैंने जैसे टिकटॉक खोला तो ऐसा वीडियो बहुत सारा मुझे मिला जो कि बनाया हुआ था। तो आज मैं इसका ट्यूटोरियल ला रहा हूं। जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। बस आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि कौन सी बात को ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अगर अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई वीडियो का सुझाव देना है, कुछ पूछना हो तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर आइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लीजिए, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहेगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ काइनमास्टर ऐप में। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या इससे कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, मैं आपको वहाँ पे सोल्यूशन बताऊँगा। करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको एक वीडियो शूट करना है, लेकिन किस प्रकार का शो यहाँ पर देख लेते हैं। प्लस पर टैप करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, एक वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको जो कि शूट करना है। यहाँ पर आपको ये जो वीडियो दिख रहा है वो ग्रीन स्क्रीन कपड़े पे शूट करना है, जो कि इस प्रकार का है। पीछे का ग्रीन पर्दा या कोई भी कलर का पर्दा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कि अगर आपके पास ग्रीन कपड़ा नहीं है और भी कोई कपड़ा है तो आप जो पहने हुए हो यहाँ पे वो कलर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैं पीछे का हरा रंग यहाँ पर ले रहा हूँ तो मेरे शरीर पर एक भी हरा रंग नहीं है, और नीला रंग लेता तो नीला वाला यहाँ पर मैच नहीं करता, इसलिए बेकार हो जाता। तो हम क्या करना है, यहाँ पे इस पर वीडियो को शूट कर लेना है और सॉन्ग वो बजा लीजिएगा। सॉन्ग का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस वीडियो को मतलब कि सॉन्ग बजा के आप उस पर मैच कर लीजिए। जैसे कि मैंने उस सॉन्ग को बजा के यहाँ पे उस तरह की एक्टिंग की। अब यहाँ पे क्या करना है, हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, बताने के लिए आपको दिखाया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगी वीडियो की, जो गर्ल वाली वीडियो है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मीडिया में चलते हैं और जो डाउनलोड करें उसे यहाँ पर ये वीडियो है इसे सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। कुछ इस प्रकार का ये वीडियो है और आपको यहाँ पे क्या करना है, सो ध्यान दीजिएगा। अब बहुत ही आसान तरीके से है, बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। यहाँ लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो आपने वीडियो शूट किया ग्रीन स्क्रीन पे उसे ले आना है। तो यहाँ पे वीडियो है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें साउंड भी होगा क्योंकि साउंड आपने वहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे सही से मिलाइएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी साउंड इसका रहने देते हैं, साउंड सुन के ही आपको बताया जाएगा। क्रॉपिंग पे जाना है क्योंकि ऊपर का भाग जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा उसे हटाना है हमें, तो यहाँ से ऐसे क्रॉप कर लेते हैं और बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पर क्या हो, इस प्रकार से सिर्फ बच गया। अब यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने से गायब हो गया लेकिन मिला नहीं, तो हमें थोड़ा इधर उधर करके इसे मिला लेना है अच्छी तरह से, जो कि एकदम साफ साफ लगे। और बैक करना है, बैक करने के बाद थोड़ा इसे बड़ा कर लेना है। ऐसे बड़ा करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको इधर से रख लेना है और आपको मिलाना है कि एकदम सही से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वीडियो चला भी गया, मैं कुछ चेक भी नहीं कर पाया, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं और अब इसे खींच के यहाँ से इधर रखते हैं। अब देखते हैं मिला के कि सही से आ रहा है या नहीं, तो यहाँ से देख लेते हैं। अब अभी भी नहीं है, थोड़ा सा पीछे हूँ मैं, तो इसके लिए फिर से छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा शूट हो गया था। तो हम देख लेते हैं कि इस बार मैंने जो मिलाया है वो सही से मिला है या नहीं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार सही आ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद एकदम बराबर रखना है, जो कि यहाँ सच में लगे कि वहीं पर ऐसा प्रैंक हो रहा है। तो इस प्रकार से हम रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले का साउंड ऑफ कर देना क्योंकि इसमें साउंड था बाहर का, और ओके करना है। तो मेरा वीडियो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, अभी भी थोड़ा सा हरा सा रंग आ रहा है। तो इसको मिलाने के लिए फिर से हम क्रोमा की में जाएंगे और यहाँ पे डिटेल कर्व में जाएंगे, इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा, चाहे नीचे अच्छा से मिलाना है तो हमें ऊपर नीचे करके इसे इस प्रकार से मिला लेना है, जो कि पीछे का रंग गायब हो जाएगा अच्छा से। और थोड़ा सा नीचे का लग रहा है कि यहाँ कटा हुआ, तो हम अच्छा से मिला लेते हैं फिर से, लेकिन आपको आप अच्छा से मिला लीजिएगा। छोड़िए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का मेरा वीडियो बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आ रहा है और ऐसे करके प्रैंक है चालू हो गया। तो इस प्रकार से वीडियो बनता है। तो आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।